नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। दीपावली के पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के रोशन पर्व पर पूरा हिंदुस्तान जगमग हो रहा है और हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली सरहद पर सैनिकों के साथ मनाई। खबरदार के इस दिवाली विशेषांक में हम पीएम मोदी के दिवाली मिलन का विश्लेषण करेंगे। पीएम मोदी ने सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने की अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के बीच जाकर दीपावली मनाई, जहां उन्होंने जवानों का मुंह मीठा करवाया, देश के दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला संदेश भी दिया। यहां पर उन्होंने वीर बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि दी और सैनिकों का हालचाल भी जाना। इस मौके पर सेना के जवानों का जोश भी हाई था। अपनी बातों और इरादों से ही नहीं बल्कि अपने अंदाज और लिबास से भी पीएम मोदी एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक जाबाज सैनिक का एहसास दे रहे थे। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी सेना के साथ दीपावली मनाता है तो देश की सेना का मनोबल आसमान छूने लगता है। पीएम मोदी की बॉर्डर वाली दिवाली की ये रिपोर्ट आपके दिल को देशभक्ति की रोशनी से भर देगी। माता की जय, भारत माता की जय, मेरा भी मन करता है कि मैं दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच तो मनाऊं और इसीलिए हर दिवाली मैं मेरे परिवारजनों के बीच मनाने के लिए आता हूं। फिर से दिवाली आई है और फिर से सरहद पर जवानों के संग पीएम मोदी ने दिवाली मनाई है। मैं बोलता हूँ एक आवाज आनी चाहिए जोर से, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पीएम मोदी चाहे जहाँ भी रहें, दिवाली के दिन उनके जवानों से अपॉइंटमेंट फिक्स रहती है। इस बार पीएम मोदी नौशेरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे। जरा प्रधानमंत्री का अंदाज देखिए, बिल्कुल एक सैनिक की तरह। जरा प्रधानमंत्री का लिबास देखिए, बिल्कुल एक फौजी की तरह। जरा प्रधानमंत्री का रौब देखिए, बिल्कुल एक अजय जवान की तरह। चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है, वो चैन की नींद सो सकते हैं। देश के सैनिक परिवार से दूर सरहद की रक्षा में तैनात होकर देश की दिवाली को शुभ बनाते हैं। देश का प्रधानमंत्री खुद उनके बीच जाकर उनका मुंह मीठा करवाता है, क्योंकि सैनिक है तो देश की सुरक्षा है, समृद्धि है, खुशियां हैं। आज मेरे सामने देश के जो वीर हैं, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत मां की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, किसी किसी को ही मिलता है। जो सौभाग्य आपको मिला है, मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को मैं देख रहा हूं। आप संकल्पों से भरे हुए हैं और यही आपके संकल्प, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं। पीएम मोदी इस बार दिवाली मनाने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर पहुंचे, जहां नौशेरा सेक्टर में उन्होंने न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया बल्कि अपने हाथों से उन्हें मिठाई खिलाकर ये भी जताया कि वो उनके अपने हैं, उन्हें अपना परिवार मानते हैं, उनके बीच आकर दिवाली मनाना उन्हें अच्छा लगता है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं आया हूं, मैं आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आया हूं। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव
मेरे मन में होता है। जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान पीएम मोदी ने वीर शहीदों को नमन किया, पूर्व सैनिकों के साथ दिवाली मिलन किया। पीएम मोदी ने दिवाली मनाने के लिए राजौरी के इंटरनेशनल बॉर्डर को ही इसलिए चुना क्योंकि सीमावर्ती जिलों पुंछ और राजौरी के इलाकों में पिछले 3 हफ्तों में आतंकी हिंसा में तेजी आई है और सेना के 11 जवान शहीद हुए हैं। सेना पिछले 24 दिनों से पुंछ राजौरी क्षेत्र में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक में लगी हुई है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पिछले सप्ताह इसी नौशेरा सेक्टर में हुए विस्फोट में एक अधिकारी सहित 2 सैनिकों की मौत हो गई थी। पीएम मोदी का आना यहां तैनात सैनिकों के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक में यहां की ब्रिगेड ने जो भूमिका निभाई वो हर देशवासी को गौरव से भर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यहां अशांति फैलाने के अनगिनत कुत्सित प्रयास हुए, आज भी होते हैं, लेकिन हर बार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब मिलता है। असत्य और अन्याय के खिलाफ इस धरती में एक स्वाभाविक प्रेरणा है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय इसी क्षेत्र में व्यतीत किया था। आज आप सबके बीच आकर मैं अपने आप को यहां की ऊर्जा से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूं। दिवाली के मौके पर अपने पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का जोश हाई था। जितने वक्त पीएम मोदी वहां पर जवानों के बीच रहे, भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती है, हमारे पर्वों में 4 चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सत्ता ग्रहण के बाद से हर साल प्रधानमंत्री मोदी अपनी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाते हैं। कभी एलओसी पर जहां हमेशा पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का खतरा रहता है, कभी बर्फ से ढके भारत चीन बॉर्डर पर, तो कभी सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पहुंचकर दिवाली के दिन देश के प्रधानमंत्री का सैनिकों के साथ मौजूद होना। ये सिर्फ दिवाली मनाने की बात नहीं है, ये बात है सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की, जिनके लिए देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। मैं फिर एक बार आप सबको दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत पाकिस्तान की सरहद पर देश के जवानों संग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह लगातार 8वीं दीपावली है जब उन्होंने सरहद पर जवानों के बीच पहुंचकर दीपावली की उन्हें शुभकामनाएं दी। मई 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 23 अक्टूबर 2014 को उन्होंने बतौर पीएम अपनी पहली दीपावली सियाचिन में जवानों संग मनाई थी। 2015 में पीएम मोदी ने पंजाब में जवानों के साथ दीपावली मनाई। यहां वो 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने पहुंचे थे। पीएम मोदी 2016 में हिमाचल के किन्नौर में दीपावली मनाने पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारत चीन बॉर्डर के पास जवानों के साथ दीपावली मनाई थी। 2017 में भी पीएम ने जवानों के साथ ही दीपावली मनाई, तब वो जम्मू कश्मीर के गुरेज पहुंचे थे। 2018 में पीएम मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों के साथ उत्तराखंड के हर्षिल में दीपावली मनाई। पीएम मोदी ने 2019 में एलओसी पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी तब भी राजौरी सेक्टर में एलओसी पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंचे थे। 2020 यानी पिछली दीपावली पर पीएम मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों के साथ मिलकर यह त्योहार मनाया था। और अब की बार पीएम ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर
और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा ब्रिगेड के जवानों संग अपनी दीपावली मनाई है। पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो जवानों के साथ ही दीपावली मनाते थे। जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से अधिक समय हो गया, बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, देशवासियों ने दिया, लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नौशेरा ब्रिगेड के जवानों संग दीपावली मनाई है। नौशेरा का जब जिक्र आता है तो नौशेरा के शेर की बात होती है। नौशेरा का शेर कहा जाता था ब्रिगेडियर उस्मान को। ब्रिगेडियर उस्मान एक ऐसे सैनिक थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जब यहां तक पेशकश कर दी गई थी कि आप आए पाकिस्तानी सेना का हिस्सा रहे, आपको आर्मी चीफ तक वहां पर बनाया जाएगा, ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान मेरी सरजमी है, ये मेरी जन्मभूमि है और मैं यहीं पर रहूंगा। भारतीय सेना में वो रहे। समझिए कि 36 साल की आयु में वो वीरगति को प्राप्त हुए थे, इस उम्र में ब्रिगेडियर बनना। दरअसल विश्व युद्ध के समय जो उनका पराक्रम देखा गया था, इस कारण हमने देखा कि वो ब्रिगेडियर हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके स्तर का एक अफसर यानी एक ब्रिगेडियर की सीनियोरिटी वाला ऑफिसर इकलौते रहे जिन्होंने रणभूमि में अपने प्राण त्यागे क्योंकि वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे। हमने उनकी जिंदगी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। करता हूं नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, नायक जगन्नाथ सिंह जी, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये कहानी केवल एक सैनिक की वीरता की नहीं है, ये कहानी है एक सैनिक के सिद्धांतों की, ऐसे उसूलों की जिसके लिए उसने अपने प्राण तक गंवा दिए। एक सैनिक के ऐसे विश्वास की जो पाकिस्तान के तिकड़मी चेहरे पर हिंदुस्तान का पहला तमाचा था। निहायत ही बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे फौज के, और जो एग्जेम्प्लीफाई करते हैं इस देश की सेक्युलरिज्म, किस तरह हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलके भारत की फौज में लड़ते हैं। बहुत काबिल अफसर थे उस्मान। और जब भारत का बंटवारा हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान ने इनको कहा कि आप मुसलमान हैं और आप पाकिस्तान में आ जाइए। मुसलमान होने की दुहाई देकर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान को चुनने का दबाव बनाया जाने लगा। जब मोहम्मद उस्मान नहीं माने, जब वो बार बार ये कहते रहे कि उनका मजहब चाहे जो भी हो, उनका देश हिंदुस्तान है, तब जिन्ना ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे ठुकरा पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। पर ये तो उस्मान थे, वीरों में सबसे वीर। पार्टीशन के समय इनको कई ऑफर्स मिली कि ये पाकिस्तान चले जाएं। हालांकि पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने इनको ये भी कहा था कि आपको हम पाकिस्तान सेना का आर्मी चीफ भी बना सकते हैं। इन्होंने साफ मना कर दिया। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देंगे पाकिस्तान का, आप पाकिस्तान में आ जाइए। इन्होंने कहा मैं अपने ही देश के साथ रहूंगा, सेक्युलर भारतवर्ष के साथ रहूंगा। आजादी के साथ ही कश्मीर के लालच में पाकिस्तान ने भारत की भूमि पर अतिक्रमण कर दिया और सरहद पर अघोषित किंतु भीषण युद्ध छिड़ गया। ब्रिगेडियर उस्मान पहले ही पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर उसे नाराज कर चुके थे। अब तो वो उसके खिलाफ युद्ध में मोर्चा संभाले हुए थे। पाकिस्तान रणनीति के तहत ऐसे आगे बढ़ रहा था कि पूंछ तक कब्जा कर कश्मीर को भारत से काट दे।
उसने झंगड़ पर कब्जा भी कर लिया था। झंगड़ पर कब्जे के जरिए नौशेरा, राजौरी और पुंछ पर नियंत्रण करने में आसानी हो रही थी। भारत को अगर अपनी पकड़ बनानी थी तो नौशेरा से पूरी तरह पाकिस्तान को बेदखल करना था। तो नौशेरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और राजनयिक दृष्टि के अतिरिक्त सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां कई तरफ से रास्ते ही आके मिलते नहीं थे, बल्कि उसके बाद जम्मू, अखनूर, ये सब जो है पाकिस्तानी सेना रौंद सकती थी। जिस तरह ब्रिगेडियर उस्मान इस जीत का महत्व जानते थे, उसी तरह पाकिस्तान को भी मालूम था कि यहां फतेह के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल है। इसीलिए 6 फरवरी 1948 को उसने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। ये उस युद्ध की सबसे बड़ी लड़ाई थी। ब्रिगेडियर उस्मान का नेतृत्व ऐसा था कि उसी दिन दोपहर 3 बजे तक जीत भारत ने हासिल कर ली। उसके बाद इनको 50 पैरा ब्रिगेड की कमांड दी गई। 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 50 पैरा ब्रिगेड जो थे वो अब एडवांस कर रहे थे नौशेरा की तरफ। बड़ी जबरदस्त लड़ाई के बाद नौशेरा को कैप्चर किया गया था और उसमें कोई 2000 दुश्मन जो है वो खेत हुए थे, कोई 1000 मारे गए थे, 1000 घायल हुए थे, और तभी से इनको नौशेरा का शेर नाम दिया गया था। सब जगह मशहूर हो गए थे ये द टाइगर ऑफ नौशेरा। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराया था, उस पर ऐसी बहादुरी दिखाई थी, एक के बाद एक इलाके दुश्मन के जबड़े से खींचकर वापस ले आए थे। पाकिस्तान बदला चाहता था। नौशेरा हारने के बाद पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान के सिर पर 50,000 का इनाम रख दिया। वो बड़े भारी शेर थे, उससे पाकिस्तान घबराता था। उनको तो पाकिस्तान अपनी आर्मी में लेके अपना आर्मी चीफ बनाना चाहता था। तो ऐसे आदमी को तो पाकिस्तान कुछ भी उसके बाउंटी रख सकता है। जिस पाकिस्तानी अफसर ने इनको चीफ ऑफ स्टाफ का खिताब देने का ऑफर किया था वो इनसे बहुत चिढ़ गया था। उस्मान जीत की राह पे थे तो पाकिस्तानियों ने ऐलान किया कि जो भी उस्मान का सर काट कर लाएगा उसको 50,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और सन 47 में 50,000 रुपए बहुत होते थे। अपनी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना की आंखों की किरकिरी बन चुके थे उस्मान। उम्मीद नहीं थी, मतलब क्या कमी रह गई थी जो तुम लोग पेट दिखा कर वापस आ गए। पाक सेना घात लगा कर बैठी थी, मौके का इंतजार कर रही थी। 3 जुलाई 1948 को झंगड़ पर उसने 5वां हमला किया था। शाम के लगभग 6 बज रहे थे, पाकिस्तान की ओर से लगातार शेलिंग चल रही थी। ब्रिगेडियर उस्मान को उनके एक अफसर ने कहा कि वो उस इलाके से चले जाएं क्योंकि वहां बहुत खतरा है, पर ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा कि अगर उनके सैनिक खतरे का सामना कर रहे हैं तो वो खुद की सुरक्षा की चिंता कैसे कर सकते हैं। वो अपने बंकर में बैठ करके केवल आदेश नहीं देते थे, वो सामने आते थे, और जब हमारे सैनिक अपने कमांडर को, ब्रिगेड कमांडर थे वो, अपने बीच पाते हैं तो उनका मनोबल आकाश छूने लगता है। इसी बमबारी में अचानक ब्रिगेडियर उस्मान के ठीक सामने 25 पाउंड का एक गोला आकर गया। उनके पूरे शरीर पर छर्रे गुद गए। झंगड़ तो बच गया, सभी सैनिक भी बच गए, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान देश की आन पर शहीद हो गए। जाते जाते उनके अंतिम शब्द थे, हम तो जा रहे हैं पर जमीन के एक भी टुकड़े पर दुश्मन का कब्जा ना होने पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सरहद पर देश के जवानों संग दीपावली मनाई और अब कल सुबह वो बाबा केदारनाथ के दर्शन को जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की 5वीं केदारनाथ यात्रा होगी, जिसमें वो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं की घोषणा करेंगे। पीएम मोदी की इस केदार धाम यात्रा का 100 जगहों पर लाइव प्रसारण होगा, लेकिन इस बार की केदारनाथ यात्रा पीएम मोदी के लिए कुछ खास रहने वाली है, क्योंकि उन्हें इस बार अपना एक बड़ा संकल्प पूरा करना है।
जो उन्होंने पीएम बनने के बाद वर्ष 2017 में अपनी पहली केदारधाम यात्रा पर लिया था। मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। भगवान शिवजी, भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जात के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। बाबा केदारनाथ में पीएम मोदी की अटूट आस्था और अगाध प्रेम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये पीएम मोदी की भक्ति की शक्ति ही है जो पीएम मोदी के मन में ख्याल आता है और केदारनाथ से उन्हें बुलावा आ जाता है। पीएम मोदी को एक बार फिर बाबा केदारनाथ ने बुलाया है। पीएम बनने के बाद मोदी दिवाली के अगले दिन यानी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 80 के दशक में केदारपुरी आए। यहां पर रहकर उन्होंने साधना की थी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी केदार नगरी से उनकी अलग ही आस्था, अलग ही जुड़ाव था और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये रिश्ता और भी ज्यादा खास हो गया। इतना खास कि बीते 4 सालों में प्रधानमंत्री ने यहां पर 5वें दौरे का प्लान कर लिया। नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से अटूट रिश्ता रहा है और ये रिश्ता तब से है जब ना तो मोदी प्रधानमंत्री थे ना मुख्यमंत्री, तब वो सिर्फ केदारनाथ के भक्त थे। वो पल थे जब इस मिट्टी में रम गमाया गया था मैं, लेकिन शायद बाबा की इच्छा नहीं थी कि मैं उसके चरणों में जीवन व्यतीत करूं। और जब बाबा ने मुझे यहां से वापस भेज दिया और शायद बाबा ने तय किया होगा, एक बाबा क्या 125 करोड़ बाबा है देश में, कभी उनकी तो सेवा करो। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जब भी केदारनाथ आए तब आत्मीय शांति लेकर लौटे और केदारनाथ धाम को विकास की सौगात देकर गए। पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर करीब 3 घंटे रहेंगे। सबसे पहले केदार धाम में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी केदारनाथ में पहले चरण में हो चुके कामों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही दूसरे चरण में करीब 120 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। मोदी केदारनाथ धाम में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान भी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वर्ष 2017 में केदारनाथ आए थे। तब उन्हें केदारनाथ में 2013 की विभीषिका में नष्ट हो गई आदिशि शंकराचार्य की समाधि को देखकर कष्ट पहुंचा था। अब पीएम मोदी 4 साल बाद अपने एक बड़े संकल्प को पूरा करेंगे और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करें, लेकिन यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो। उस दिशा में काम चल रहा है, आज उसका भी शिलान्यास हो रहा है। त्रि शैली में बने मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। केदारनाथ मंदिर से तकरीबन 65 मीटर की दूरी पर ये आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है जिसका अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 5 तारीख को यहां पर पहुंच रहे हैं। हिंदू धर्म में और 12 ज्योतिर्लिंगों की जो महत्ता है उसमें शंकराचार्य की अपने आप में खास भूमिका और इसी वजह से अलग से इनकी मूर्ति यहां पर लगाई गई है और यकीनन दूर दूर से
जो भक्त यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे उनके लिए ये मूर्ति एक खास आकर्षण का केंद्र रहेगी और यहाँ पर लोग आकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। 2 साल बाद पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ में होंगे। हालांकि वो इससे पहले साल 2018 को दीपावली के दिन ही केदारनाथ आकर भोले बाबा के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। 3 मई 2017 को मोदी केदारनाथ के पट खुलने के दिन केदारनाथ धाम पहुंचे थे। यही नहीं, उसी वर्ष 20 अक्टूबर को जब केदारनाथ के पट बंद हुए तो भी मोदी ने बाबा के दर्शन किए थे। ये दर्शाता है कि मोदी के दिल में केदारनाथ की क्या अहमियत है। वो जब भी यहाँ आते हैं तो उनकी भक्ति देखने लायक होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण के मतदान से 2 दिन पहले 18 मई को मोदी चुनावी शोर शराबे से दूर केदारनाथ पहुंच गए और 18 घंटे तक भगवान भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो गुफा में तपस्या की। छोटी सी छेद किया हुआ है, वहाँ से भी उसको करता रहता हूँ। एक प्रकार से मैं वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावरण से पूरी तरह बाहर था, अलिप्त था, यहीं खोया हुआ था। न कोई कम्युनिकेशन रखा था, न कोई अपने आप में था। यहां का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन, वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या कैर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की केदारनाथ यात्रा इस बार एक मायने में बेहद खास रहने वाली है। पीएम मोदी के इस केदारनाथ धाम यात्रा का 100 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट होगा। साथ ही केदारनाथ सहित देश के अन्य 11 ज्योतिर्लिंग को भी एक साथ लाइव जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। यहां पर भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना के साथ ही आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण करेंगे। पुनर्निर्माण के काम जो 2013 की आपदा के बाद चल रहे थे उनका भी लोकार्पण करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जिस तरह का यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से तबाही आई थी उसके बाद पुनर्निर्माण हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि का भी अनावरण करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ केदारनाथ जी की आपदा हो या फिर कोरोना की आपदा हो, उन दोनों को यदि किसी ने अवसर बनाकर पूरे विश्व के सामने उपस्थित किया है और पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि इंडिया कैन डू इट एंड इंडिया मस्ट डू इट, और आज का ये संदेश कि सब लोग जुड़कर किस तरह से यदि पूरा भारत खड़ा हो जाए, ये संदेश है केदारनाथ से कन्याकुमारी तक का, कि इसलिए उन्होंने ये संदेश दिया है ताकि अगर हम खड़े हो जाएं तो पूरा विश्व खड़ा हो जाएगा। और ये यात्रा वो केदार से शुरू कर रहे हैं। मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहाँ पर? मैं कुछ नहीं मांगता जी, कह रहे थे और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया, देने योग्य बनाया। केदारनाथ धाम से दिलीप सिंह राठौर, मंजीत नेगी और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। स्वतंत्र भारत में यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में 5वीं बार बाबा केदार के दर्शन को उनके धाम पहुंचेगा, जिससे पता चलता है कि भगवान आशुतोष के 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के प्रति पीएम मोदी की कितनी गहरी आस्था है। 80 के दशक से राजनेताओं का केदारनाथ जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 2 बार केदारधाम पहुंची थी। लेकिन बाबा केदारनाथ से पीएम मोदी का लगाव कुछ अलग है, जो 4 साल में 5वीं बार बाबा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज तक संवाददाता मंजीत सिंह नेगी ने पीएम की यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर केदारनाथ धाम के धर्माधिकारी पंडित ओंकारेश्वर शुक्ल से खास बातचीत की। आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जब सुबह यहाँ पहुंचेंगे किस तरह से आप लोग उनकी पूजा को संपन्न कराएंगे? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी श्री केदारेश्वर धाम में पहुंचेंगे, उनका 7:30 से 8 बजे का के बीच यहाँ पहुँचेंगे और ठीक आज 8 बजे वो मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। वहाँ पर हमारे द्वारा और तीर्थ पुरोहितों के द्वारा
उनकी पूजा संपन्न की जाएगी। सबसे पहले संकल्प होगा, उसके बाद पहले स्वस्तिवाद जन होगा, उसके बाद संकल्प होगा, उसके बाद उनका अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के बाद बागम्बर वस्त्र भगवान को उड़ाया जाएगा और वही वस्त्र बाद में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है भेंट स्वरूप प्रदान किया जाएगा जी। उसके बाद बाहर आकर के वह आदिगुरु शंकराचार्य का की जो समाधि है उसका पूजन करेंगे और उसका लोकार्पण अनावरण करेंगे। पूजा के दौरान कल कोई खास मुहूर्त है और क्या क्या चीजों का आप लोग ध्यान रखते हैं? कितने वक्त प्रधानमंत्री गर्भगृह के अंदर रहेंगे? किस तरह से पूजा में किन किन चीजों का और ध्यान रखा जाए? जो 1650 जो पूजा होगी उसमें दूध दही और मधु आदि वस्तु से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की पूजा होगी और बाद पूजा के बाद आशीष वचन लेकर वो मंदिर से बाहर आ जाएंगे। अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विध्वंस को विकास में और संहार को सृजन में बदला जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज केदारनाथ में देखा जा सकता है। आपदा को 8 साल से अधिक समय हो चुका है और इन 8 सालों में केदारनाथ की तस्वीर भी काफी बदल चुकी है। प्रलयकारी आपदा ने केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक भारी तांडव मचाया था, लेकिन आज केदारनाथ की तस्वीर बदल गई है। अलग अलग टीमों ने केदारनाथ में इन विकास कार्यों की रफ्तार को अपने कैमरों में रिकॉर्ड किया है, उसकी एक रिपोर्ट आज हमने तैयार की है। केदारनाथ में आई इस तबाही को कौन भूल सकता है? 2013 में आए सैलाब की ये तस्वीरें लाखों लोगों के दिलों में आज भी अंकित है। पूरा का पूरा इलाका एक खंडर और मलबे में तब्दील हो गया। तब की सरकारों के पास इस संकट से लड़ने की ना तो कोई विशेष प्लानिंग थी और ना ही हौसला। तब गुजरात के एक मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से केदारनाथ के पुनर्निर्माण की पेशकश की। ये मुख्यमंत्री और कोई नहीं बल्कि खुद नरेंद्र मोदी थे। केदारनाथ पर नरेंद्र मोदी की आस्था बहुत पुरानी है, इसलिए तबाही के बाद केदारनाथ को बसाने का संकल्प लिया, लेकिन केंद्र सरकार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए, जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है, मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। और मैंने खुशी में आकर के बाहर निकल करके मीडिया के सामने भी मेरा संकल्प व्यक्त किया था। अचानक टीवी पे खबर आ गई कि मोदी अब केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी ले रहा है, तो पता नहीं दिल्ली में तूफान मच गया। वक्त का खेल देखिए, 2013 में मोदी ने केदारनाथ की तस्वीर को बदलने का संकल्प लिया और 2014 में मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण को लेकर पीएम मोदी एक्टिव हो गए और 2017 में अपने संकल्प को केदारनाथ जाकर फिर से दोहराया। अब ये केदार धाम इस प्रकार से बनेगा, फिर एक बार झाझर मान मेरा केदार धाम बनेगा, भव्य होगा, दिव्य होगा, प्रेरणा के लिए उत्तम स्थान बनेगा। ये 125 करोड़ देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र बन रहा है। हर बच्चे का इरादा रहता है, बूढ़े माँ बाप को कभी न कभी चार धाम की यात्रा कराऊंगा। आज ये सरकार वो काम कर रही है जो 125 करोड़ देशवासियों का सपना है उनको पूरा करने के लिए काम कर रही है। काम उत्तराखंड की धरती पे हो रहा है, लेकिन काम हिंदुस्तान के जन जन के लिए हो रहा है। उस काम को आपके सामने प्रारंभ करते हुए जीवन में एक अत्यंत दिव्य संतोष की अनुभूति करता हूं। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। फिर एक बार भोले बाबा को वंदन करता हूं। फिर एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ दोनों मुट्ठी करके बंद करके पूरी ताकत से बोलिए जय जय बाबा भोले। पीएम मोदी ने 2017 में अपना संकल्प दोहराया, वो अब सच होने के बहुत करीब है।
नरेंद्र मोदी 2019 में फिर एक बार बाबा केदारनाथ के दरबार में पहुंचे और यहां चल रहे विकास कार्यों का अपडेट लिया। अब एक बार फिर पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं, जब बदलाव की झलक साफ साफ दिखाई दे रही है। आप केदारनाथ जब आते हैं तो एक बार आपको डरावनी तस्वीर 2013 की याद आती है। दूर हम इसलिए आए हैं ताकि आपको पता चले कि मंदिर के ठीक पीछे जो पहाड़ी है, इस ग्लेशियर्स के पीछे एक तालाब था जहां बादल फटा और पानी अपने साथ इतना मलबा लेकर के आया, सब कुछ सैलाब की चपेट में आ गया और उसके निशान शायद आज भी ताजा हैं। मसलन ये पुराना जो पहले सालों से ट्रैक चलता आया मंदिर जाने के लिए, वो ये ट्रैक था, लेकिन इसके आगे जाते ही सैलाब इतना तेज था, ये जो आप नदी देख पा रहे हैं, इस नदी में इतना पानी था कि मंदिर के आगे आते हुए जो कुछ इस सैलाब के रास्ते में आया सब उसका शिकार हो गया, सब कुछ तिनके की तरह बह गया। अब आज नदी का पानी कम है, ग्लेशियर से पानी पिघलता हुआ आ रहा है, इसकी भी एक अलग महात्म्य, अलग पवित्रता है। लेकिन 2013 के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी केदार घाटी का नवनिर्माण, केदार वैली को फिर से खड़ा करना। 2013 के बाद जब यहाँ काम शुरू हुआ और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद निजी तौर पर यहाँ पर अपनी न सिर्फ दिलचस्पी दिखाई बल्कि हर पूरे ऑपरेशन का लगातार वो जायजा लेते रहे, और अब जब से पिछले कुछ सालों से वो लगातार यहाँ आते रहे, और उसकी एक बड़ी वजह भी है कि जब वो यहाँ आए हैं तो उसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाए गए, आने वाले सैलानियों, पर्यटकों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। हेलीपैड आप देखिए, लगातार श्रद्धालुओं को लाने के लिए एक अच्छी सड़क तो बना दी गई है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर का जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर होने लगा है। कई जो एविएशन कंपनियां हैं उनके हेलीकॉप्टर यहाँ चलते हैं ताकि सैलानियों को ये 20 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो ना चलना पड़े। अब ये समझिए बदलाव की ये शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके लिए तस्वीरों का देखना बहुत जरूरी है। ये वही केदारनाथ है जो साल 2013 में बर्बाद हो गया था, लेकिन करीब 8.5 साल बाद बाबा केदारनाथ की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जहां तबाही में सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है, वहां बदलाव वाला विकास दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जब यहाँ पर तीर्थ यात्रा शुरू होगी बड़ी संख्या में लौटेंगे तो केदारनाथ में सड़कें बन जाए। अब यहाँ देख पा रहे हैं खूबसूरत सीमेंट की सड़कें, ट्रैक बना दिए गए हैं। एक जो रास्ता तबाही में खराब हो गया था, बहुत कम समय में उसे चाहे PWD हो, SDRF हो, आर्मी हो, तमाम सारी एजेंसियों ने मिलकर एक संघर्ष किया और एक मुहिम के तरह बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और आज वो ट्रैक बनकर तैयार है। अब प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो इन तमाम सड़कों पर आप जो देख रहे हैं सुरक्षा के अलावा ये सजावट का बंदोबस्त किया गया है प्रधानमंत्री का कि स्वागत के लिए और खासकर अभिवादन के लिए। और उससे बड़ी वजह भी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने विकास का जो तोहफा केदारनाथ को दिया है, क्योंकि उनकी आस्था रही है इस जगह के प्रति और वो समझते हैं कि जब सिर्फ देश भर के नहीं बल्कि दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर इस पवित्र स्थल पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी दुआएं मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आखिर इस जगह के विकास में भला कोई कमी क्यों हो। पुरानी यादों और लंबे संघर्ष के बाद आज एक बार फिर केदारनाथ में श्रद्धालुओं और सैलानियों की भीड़ दिखाई दे रही है। तबाही के निशान पीछे छोड़ देश से श्रद्धालु बाबा केदारनाथ की शरण में पहुंच रहे हैं। आज भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि 2013 के जल प्रलय से जब पूरा केदारनाथ नष्ट हो गया था, तब कुदरत का एक करिश्मा हुआ, एक मंदिर और जल प्रलय के बीच एक बड़ी चट्टान आ गई और केदारनाथ मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था। और से देखिए मंदिर को, बाबा केदार का ये मंदिर है, खरोच तक नहीं आई, इतनी तबाही मची, घर बह गए, लोग बह गए, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनी थी वो सब तबाह हो गई, बह गई, लेकिन बाबा केदार के मंदिर को आंच नहीं आई। ये केदारनाथ में पीएम मोदी की आस्था और विश्वास का ही परिणाम है। जो शपथ केदारनाथ के लिए ली वो अब पूरी होने जा रही है। ये तो बदलाव की एक शुरुआत है, विस्तार तो अभी लंबे समय तक चलने वाला है। दिवाली बाबा केदारनाथ के धाम में हो तो आखिर उसकी बात ही क्या। और यहाँ पर देखिए जो भी तीर्थयात्री रुके हुए हैं दिवाली के दिन, चूंकि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी को आना है, तो यहाँ साधु समाज जो है और जो भी श्रद्धालु हैं आश्रम में अब बाकायदा दिवाली के लिए दिए जलाए गए हैं, दिए भेजे गए हैं कुछ मंदिर के, और आपको दियों की ओर ले चलते हैं। देखिए तमाम जितने भी सन्यासी हैं, पुजारी हैं, यहाँ पर घी के दिए जलाए जा रहे हैं
इन घी के दियों से इस आश्रम को जगमग किया जा रहा है। खासकर प्रधानमंत्री मोदी का जब दौरा उसके ठीक पहले, चूंकि कपाट कल बंद हो जाएंगे, तो श्रद्धालुओं के लिए आखिरी दिन और वो भी दिवाली का दिन, इससे अनुपम क्या हो सकता है। उन तमाम दर्शकों के लिए भी जो अपने घर पर बैठे यहाँ नहीं पहुंच पाए, मंत्रोच्चार तो हो ही रहा है, दर्शन यहाँ किए आपने बाबा केदारनाथ के, इस अनुपम छटा से यहाँ होना भी उतना ही पुण्य वाला है जितना कि इसको देख करके भाव के मन से भगवान को याद करना। केदारनाथ धाम से प्रदीप गुप्ता के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक खबरदार में आज के लिए इतना।